मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के धरावी इलाके से फायरिंग की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 3 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है और ये फायरिंग एक अज्ञात व्यक्ति ने एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम आमिर अनीस खान बताया जा रहा है इस पर फायरिंग की गई है और गोली लगने की वजह से आमिर घायल हो गया है। गोली चलाने वाला आरोपी भी मौके से फरार हो गया है और सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची है। ये पूरी वारदात आज सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास में हुआ है। धारावी इलाके के पीला बंगला के पास मीठी नदी के किनारे आमिर पर यह फायरिंग हुई है जिसमें आमिर घायल हुआ है। इस घटना के बाद इलाके में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। बहरहाल अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आमिर का उपचार अस्पताल में जारी है। वहीं धारावी पुलिस इस पूरे मामले में 307 के तहत मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।